हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए अगर आपने गौर किया होगा कि गुड्स ट्रेन के वैगन पर एक लाइन लिखी होती है, दोहरे पाइप वाले या विथ ट्विन पाइप। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है और इसका क्या मतलब है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गुड्स ट्रेन पर लिखे इस दोहरे पाइप वाले का मतलब जानने से पहले आपको ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम पर एक अलग टॉपिक है, फिर भी हम यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक ट्रेन के एयर ब्रेकिंग सिस्टम का डायग्राम है। इसमें एटमॉस्फेयर के एयर को कंप्रेसर की मदद से मेन रिजर्वायर में भरा जाता है। मेन रिजर्वायर ब्रेक पाइप के सिलेंडर से जुड़े होते हैं। जब पायलट वाल्व से ब्रेक अप्लाई किया जाता है, तब एयर का प्रेशर घट जाता है, मतलब कि एयर रिलीज हो जाती है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। जब एयर का प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेक रिलीज हो जाती है। दोस्तों, जब ट्रेन चलती है तो बार बार ब्रेक अप्लाई करने से या पाइप में कहीं लीकेज होने से ब्रेक पाइप का एयर रिलीज हो जाता है, जिससे कि ब्रेक अप्लाई रहते हैं और पुनः ट्रेन तभी चलेगी जब उसमें एयर भरेगी, यानी कि तभी ब्रेक रिलीज होगा। इस तरह से ब्रेक के लगने और रिलीज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए पूरी ब्रेकिंग सिस्टम में एक फीड पाइप को लगाया जाता है, जो कि ऑक्सिलरी रिजर्वर से एयर के प्रेशर को हमेशा मेंटेन रखता है, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम का लगना और रिलीज होना फास्ट हो जाता है। दोस्तों, पहले के गुड्स ट्रेन में सिंगल पाइप होते थे, मतलब कि उसमें फीड पाइप नहीं होते थे, जिससे उनकी ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ी स्लो थी। गुड्स वैगन पर लिखे दोहरे पाइप वाले का मतलब कि इसमें एक फीड पाइप दिया गया है, जिससे कि इस वैगन में अच्छे से और फास्ट जो है ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगी। अब आप समझ गए होंगे कि इस गुड्स पर लिखे दोहरे पाइप वाले का मतलब क्या होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।